अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी को लेकर कन्नौज शहर के युवाओं में खासा आक्रोश है। युवाओं के संगठन ने शनिवार को शाम तीरवा क्रॉसिंग चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालते हुए बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग की। कैंडल मार्च के समापन के मौके पर युवाओं ने 2 मिनट मौन रखकर बच्ची की आत्मा की शांति की कामना की। दुष्कर्म के 2.5 साल की बच्ची की अलीगढ़ में निर्गम हत्या किए जाने के कारण इत्र नगरी के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाल कर न सिर्फ बच्ची की आत्मा की शांति की कामना की बल्कि बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। अलीगढ़ में जो एक बच्ची के साथ 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी दिखाई गई है उसके विरोध में आज हम लोग कैंडल मार्च लेके निकले। कन्नौज के युवा साथी सब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बच्ची को श्रद्धांजलि देंगे और जो भी दोषी हैं बलात्कारी हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। बच्ची है उसका क्या दोष था, आज इस दुनिया में वो नहीं है लेकिन हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। हमारे कन्नौज की आवाज़ योगी सरकार से यही अपील करती है कि उन दरिंदों के लिए उनको फांसी हो और जल्द से जल्द इस कार्य के लिए सुनवाई की जाए।